दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की दो सिस्टर्स और ब्रदर की फियांसे इन सब के साथ एक साथ अफेयर करता है। ये सब वो क्यों कर रहा था और इसका अंत क्या है, ये हम आज के हमारे मूवी अबाउट एडम 2001 की एक रोमांटिक कॉमेडी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर लूसी हमें उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है। इसका नाम था साइमन और वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, पर लूसी को अब वो अच्छा नहीं लगता। लूसी को मनाने के लिए आज उसने उसे बुलाया था पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लूसी ने अपनी सिस्टर लॉरा को भी उसके साथ लाया था। यहाँ से निकलने के बाद लॉरा लूसी से पूछती है, तुम ऐसा करती क्यों हो, हर एक लड़के को इसी तरीके से तुम ट्रीट करती हो। लूसी कहती कि मेरा इंटरेस्ट ही चला जाता है, उसे लड़के में कुछ अलग क्वालिटीज चाहिए। लॉरा किसी भी लड़के को डेट नहीं करती थी तो लूसी ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लूसी एक रेस्टोरेंट में काम करती है पर वो सिंगर भी बनना चाहती है तो बीच बीच में गाती रहती है। आज गाना गाते वक्त उसकी नज़रें एडम से मिली, ये एक दूसरे को बहुत पसंद आए थे। एडम जरा शाय था तो लूसी वंडर करती कि एक्चुअल में इतना शाय हो भी सकता है। वो कभी भी एडम की तरह लड़कों को डेट नहीं करती। उसने एडम को ऑर्डर लिया और एडम को भी लूसी अच्छी लगी थी। जाते जाते एडम उसे डेट के लिए पूछ लेता है, लूसी भी इसके लिए हाँ कहती है। उसे उसके लिए कुछ अलग सा ही फील हो रहा था। अगले दिन एडम कॉल करने वाला है तो इस बात के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। वो कहता है कि आज शाम में तुम्हें मेरी कार में पिकअप करूंगा। एडम ने उसे अपनी जैगुआर में पिकअप किया जो उसे बहुत अच्छी लगती है। लूसी के घर पर दो सिस्टर और एक ब्रदर था। सब लोग घर में थे तो लूसी एडम को इंट्रोड्यूस करवा देती है। सब लोगों को बहुत पसंद आया था। अगले दिन लाइब्रेरी में लॉरा और लूसी बात करते हैं। लॉरा ने कहा कि एडम तुम्हारी चॉइस के लिए बहुत ही अलग है, उसे बुक्स और पोएट्री में भी इंटरेस्ट है, ये तुम्हारी तरह नहीं है। लूसी ने कहा कि जरा चेंज अच्छा होता है। अगली सीन में लूसी का ब्रदर डेविड उसे कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ इंटीमेट ही नहीं होती, वो शादी हो जाने तक वेट करना चाहती है, उसे लगता है कि गर्लफ्रेंड को इसमें कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। लूसी कहती कि वेट करना अच्छा होता है, अब तक एडम और मुझमें भी कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को लेकर वो जरा वरीड थी कि क्या एडम भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बारे में अपनी सिस्टर से बात करती है। जिस तरीके से लूसी एडम के बारे में बात कर रही थी तो उसकी सिस्टर ने पूछा, क्या तुम उसके प्यार में पड़ रही हो। लूसी को अब तक पता नहीं है पर ये फीलिंग उसे बहुत अच्छी लगती है। रात में दोनों हैंगआउट कर रहे थे तो एडम ने कहा, तुम जब चाहो, तुम जब कंफर्टेबल हो तब हम एक दूसरे के करीब आएंगे। लूसी को ये बात बहुत अच्छी लगी। रेस्टोरेंट में उसका गाना सुनने के लिए एडम हमेशा आया करता था तो एक रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन एडम लूसी और उसकी मदर को ट्रिप पर लेकर गया। गाड़ी में लूसी की मदर एडम से कहती है कि लूसी को भी वो स्टोरी बताओ। वो बता नहीं रहा था तो लूसी की मदर ही उसे बता देती है। एक्चुअल में जो गाड़ी एडम के पास है ये गाड़ी एडम की मदर को बहुत अच्छी लगती थी पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। एडम के फादर हमेशा कहते थे कि एक दिन वो उसके लिए बाय कर देंगे पर कभी भी उन्होंने बाय नहीं किए। अचानक से जब एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद एडम को कुछ पैसे मिले। अपने पेरेंट्स को ऑनर करने के लिए उसने कार बाय कर ली। ये सब लूसी को बहुत हार्ट टचिंग लगता है। एडम लूसी के फैमिली के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुका था। उसकी सिस्टर एलिस को बेबी सीटर की जरूरत थी तो एडम भी उसके बेबी का ख्याल रखने के लिए रेडी था। एक दिन रेस्टोरेंट में फिर से लूसी से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड साइमन आ जाता है। उसे कहता है कि मेरा शो है, प्लीज इसे देखने के लिए आना। लूसी शो देखने के लिए गई तो स्टेज पर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लूसी कहती कि मुझे हमेशा उसे इसी तरीके से देखना अच्छा लगता था पर रियल लाइफ में वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस, इस तरीके की क्वालिटीज एडम में कुछ भी नहीं है पर फिर भी उसके प्यार में पड़ रही है। ये बात अभी अभी उसे रियलाइज हुई कि वो एडम से प्यार करने लग गई है। नेक्स्ट सीन में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, कहती कि एडम को मैंने पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले वो शाय था पर अब सब लोगों से बहुत अच्छे से वो बात करता है। एक दिन वो मुझे बहुत ही रोमांटिक सी होटल पर भी लेकर गया था। वो आज जो भी करने वाली थी इस बात को लेकर जरा नर्वस थी। रात में अपने रेस्टोरेंट में उसने अपनी सारी फैमिली को इन्वाइट किया था। डिनर के वक्त वो गाना गाती है और गाने के बाद उसने एडम को सबके सामने प्रपोज कर दिया। एडम इसके लिए हाँ कहता है और सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। एडम जब फर्स्ट टाइम उसके घर पर लूसी को लेने के लिए आया हुआ था तभी का हमें एक सीन दिखाया जाता है। लूसी की सिस्टर लॉरा को लग रहा था कि एडम भी लूसी के अलग बॉयफ्रेंड की तरह होगा। सब लोग उसे लाइक करने का प्रिटेंड करेंगे और बाद में लूसी उसे ब्रेकअप कर लेगी। एडम फिर आकर लॉरा से मिलता है। उसका नाम जानने के बाद उसने कहा कि लॉरा नाम की मेरी फेवरेट मूवी है, एक पोएम है जो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसका नाम भी लॉरा ही है। इस पोएम के बारे में लॉरा जानती थी और उस घर पर अपनी थीसिस वो लिख रही थी। एडम ने उसे पोएम बोलकर बताया और उस वजह से वो बहुत ही इंप्रेस्ड हो गई थी।
अगले दिन लॉरा जब लाइब्रेरी में गई तो एडम भी वहाँ उसी पोएम को ढूंढने के लिए गया हुआ था। उसे देखकर वो बहुत ही सरप्राइज थी। अचानक से एडम जरा डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से वो चला गया। लॉरा भी उसके पीछे पीछे आई तो एडम गाड़ी में रो रहा था। लॉरा ने उसे सहारा दिया तो कहता है कि मैं और मेरे फादर को एक कार बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं ड्राइव करने लग गया तो उन्होंने मेरे लिए कार बाय कर दी। उसके बाद वो चले गए। मुझे लगता है कि मेरा ही कुछ फॉल्ट है और इसी वजह से वो चले गए थे। लॉरा कहती कि इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। एडम कहता है कि जब भी मुझे किसी के लिए भी फीलिंग्स आती है तो हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा ही कुछ फॉल्ट है और लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। उसने लॉरा से कहा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बात चल रही थी। वो एक दूसरे को हग करते और एडम ने उसे गाल पर किस किया। अगले दिन लॉरा लूसी से बात कर रही थी कि एडम तुम्हारे जैसा नहीं है। यहाँ पर वो जरा डरी हुई थी। वो भी अब एडम को लाइक कर दिया। उसे एक बुक दिखी और लगा कि एडम को ये बुक बहुत अच्छी लगेगी तो उसके लिए वो बाय कर लेती है। इस बुक के ऊपर वो एक मैसेज लिखना चाहती थी पर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। वो जो भी फील करती है ये सब कुछ बताना चाहती थी। फाइनली उसने कहा कि इस बुक को पढ़कर मुझे जो फील हुआ है शायद वो तुम्हें भी हो जाए। अगले दिन वो उसे लाइब्रेरी में मिलती है। एडम को जो बुक वो गिफ्ट देने वाली थी यही एडम पढ़ रहा था तो उसे कहती है कि बाय मत करना। लॉरा अपने फ्रेंड के साथ थी तो उसे कहती है कि तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो पर एडम वहाँ से चला जाता है। रात में लॉरा अपने एक फ्रेंड को लेकर प्ले देखने के लिए आई। वहाँ पर भी एडम आया हुआ था। थोड़ी देर में बीच में से एडम उठकर चला जाता है। लॉरा उसके पीछे भागी पर कहीं भी उसे नहीं मिलता। उसकी फ्रेंड आकर उसे पूछती कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या तुम्हें प्ले अच्छा नहीं लगा। लॉरा कहती कि एक वीक हो चुका, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही, हमेशा मैं एडम के बारे में सोचती रहती हूँ, जो भी चीज़ें मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ सब कुछ फील कर पाती हूँ। अगले दिन वो अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग के लिए आई। एस्केलेटर पर उसने एडम को देखा। एडम उसे देखकर कहता है कि मैं नीचे आता हूँ। लॉरा ने उसका वेट किया पर वो नीचे आता ही नहीं। वो डिस्टर्ब होकर हर जगह पर उसे ढूंढने लगे पर उसे मिलता ही नहीं। ये सारी बात उसकी सिस्टर एलिस ने नोटिस की। एलिस उसे पूछती है, तुम और एडम जब मिलते हो तो किस बारे में बात करते हो, क्या तुम एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो। लॉरा कहती कि एडम बाकी लोगों की तरह नहीं है, हम दोनों में जो है बहुत ही अलग है। वैसे लूसी और एडम में कुछ भी कॉमन नहीं है। तभी लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड साइमन उसे दिख जाता है। लॉरा ने जाकर उसे बात की और कहा कि लूसी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, वो तुम्हें मिस कर दिया। साइमन को सुनकर बहुत अच्छा लगा। रात में लॉरा एडम से मिलने के लिए जा रही थी तो लूसी कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। इस बात पर लॉरा बहुत गुस्सा हो गई। कहती है, मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे तुमसे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लूसी सिर्फ उसे इसलिए कह रही थी कि बाहर बहुत बारिश थी, पर उसी बारिश में लॉरा बाहर जाकर एडम को कॉल करती है। उसने एडम से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। एडम कहता है कि मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, अभी के अभी तुमसे मिलना। वो फिर उसके घर पर आके उसे उसकी बुक दे दिया। लॉरा ने एडम से पूछा कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। एडम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये मुझसे हो नहीं रहा। कल रात जब मैं लूसी के साथ था तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इनका हमेशा एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था। एक दिन एडम जब लूसी को ट्रिप पर लेकर जा रहा था तो लॉरा ने उसे देख लिया। एडम कहता है कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ रहा है। लूसी की आँख पर पट्टी थी तो वहाँ पर भी उसे किस करता है। इसके बाद हमें डायरेक्टली रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूसी ने एडम को शादी के लिए पूछ लिया। यहाँ पर भी एडम लॉरा के साथ फ्लर्ट कर रहा था पर जब लूसी उसे पूछ लेती है तो उसके बाद उसे हाँ कह देता है। इस बात से लॉरा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। अगले दिन उसे मिलने के लिए आया तो लॉरा बहुत गुस्सा थी। एडम कहता है कि सबके सामने मुझे हाँ ही बोलना पड़ा, अगर मैं मना कर देता तो लूसी को बहुत बुरा लगता। लॉरा उसे माफ़ नहीं कर रही थी तो एडम गुस्से में वहाँ से जाने लग गया तो उसके पीछे पीछे आके एडम ने कहा कि अगर हमारे अफेयर के बारे में लोगों को पता चले तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसी वजह से मैंने किसी को कुछ भी बताया नहीं है। हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है ये शादी के बाद नहीं रहती है, ये पैशन हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। लॉरा को एडम के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम फिर से उसी फ्लैशबैक में जाते हैं जब लूसी से मिलने के लिए एडम फर्स्ट टाइम उसके घर पर आया था। आजकल लूसी का ब्रदर डेविड ज़रा डिस्टर्ब है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ भी भाव नहीं देती। उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप चाहता है पर इस बात की लोग मान नहीं रही थी। जैसे जैसे लूसी और एडम की रिलेशनशिप आगे बढ़ी वैसे ही डेविड अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था। वो कहता था कि एडम लूसी को एक जगह पर लेकर गया था, उनका वीकेंड बहुत ही अच्छा था। ये सब चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड कैरन के साथ वो करना चाहता था पर कैरन कुछ भी हिंट समझ नहीं पाती। लूसी ने जब एडम को प्रपोज किया तो इनकी लव स्टोरी कैरन को बहुत अच्छी लगी थी।
डेविड फिर एडम से बात करता है, उसकी सारी प्रॉब्लम उसने उसे बता दी। एडम कहता है कि तुम्हें इस तरीके से वेट नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऑर्डर देने वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है, एक दिन डायरेक्टली तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। ये सब कैसे करना है साइमन को समझ में आ नहीं रहा था। एडम कहता है कि तुम वरी मत करो, रात के लिए हम डिनर प्लान करते हैं। डिनर के वक्त एडम उनके घर पर आया और ये सब लोग बहुत ड्रंक हो गए। निकलते वक्त एडम ने बहुत लेट कर दिया, बाहर बारिश होने लग गई थी तो प्रिटेंड करता है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। डेविड एडम को उसके घर पर ही रुकने के लिए कहता है। इनका प्लान था कि एडम काउच पर सोएगा और कैरन फिर डेविड के पास आकर सो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। कैरन खुद काउच पर सो गई और एडम डेविड के पास आ गया। डेविड को बहुत बुरा लग रहा था। एडम कहता है कि तुम्हें कोई भी कमी नहीं है, ये उसका ही फॉल्ट है जो तुमसे वो दूर रह रही है। ये सब सुनकर डेविड एडम से अट्रैक्टेड होने लग गया था। रात में डेविड की नींद खुली तो एडम उसके पास नहीं था, उसे उसकी गर्लफ्रेंड और एडम की आवाज़ें आ रही थी। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन एडम घर से निकला तो कैरन बहुत खुश थी। वो डेविड से कहती कि कल रात हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वो डेविड को रिझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। एडम ने जो भी किया इसके लिए डेविड बहुत खुश था। वो जिम के स्विमिंग पूल में लूसी को देखता है, उसे लगा कि वो एडम के साथ है, पर लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थे और दोनों किस कर रहे थे। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। लूसी की सिस्टर एलिस और उसके हस्बैंड डेविड में हमेशा झगड़े चलते थे, उसके साथ खुश नहीं थी। एडम जब लूसी को लेने के लिए आया हुआ था तो एलिस ने उसे देखा और उसे वो पसंद आता है। डिनर के वक्त एलिस का हस्बैंड एडम के कार के बारे में स्टोरी बताता है। उसने कहा कि एडम के फैमिली के पास उसकी कार थी, वो जब छोटा था तो उसी कार में उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। जब बड़ा होने पर उसके पास कुछ पैसे आए तो सारे पैसों से उसने उसे रिन्यू कर दिया। जैसे कि हम देख सकते हैं एडम हर एक पर्सन को अलग अलग स्टोरीज बताता है। इस स्टोरी के बाद एलिस फिर से उसी के बारे में सोचने लग गई थी। जब वो लॉरा के साथ शॉपिंग करने के लिए आए तो एडम का उसे कॉल आता है। उसने कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ये बात एलिस को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद वो लॉरा और लूसी से जब भी बात करती थी तो एडम के बारे में जानना चाहती थी। एडम भी उसे बात करने की हमेशा कोशिश करता था। एक रात वो दोनों पार्टी में मिले। एलिस कहती कि उस दिन तुमने मुझसे आकर बात क्यों नहीं की। एडम कहता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मुझे तुम बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हो, क्या हम दोनों अकेले में मिल सकते हैं। एलिस ने कहा कि मुझे बेबी सीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एडम कहता है कि मैं तुम्हारे बेबी का ख्याल रख सकता हूँ। उन्होंने एक डे फिक्स किया। उसके बाद रात में जब एलिस घर पर आई तो उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था। ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस करने लग गए। एलिस अचानक से रियलाइज़ करती कि ये सब बहुत गलत है और उसने उसे मना कर दिया। जब लूसी ने एडम को प्रपोज़ किया तो एलिस को भी बुरा लगा था। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक दिन एडम के घर पर आके पूरे देखती है एडम और लूसी के बीच में अफेयर चल रहा है। वो उसके घर के बाहर ही छुप रही थी। एडम ये देखकर बहुत हंसता है। एलिस को अब लग रहा था कि एडम लूसी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात की। कहा कि मुझे लगता है कि एडम की कुछ सीक्रेट्स है। मदर कहती कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे बोरिंग आदमी हैं, अगर एडम उनमें से नहीं तो लूसी का अच्छा लक ही है। इसके बाद हमें डायरेक्टली वेडिंग डे दिखाया जाता है। लूसी को मनाने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड साइमन उसके घर पर पहुंच गया। लूसी एलिस को उसे भगाने के लिए कहती है। इसके बाद लूसी डिस्टर्ब हो गई थी। वो लॉरा और एलिस को बुला कर कहती कि मुझसे गलती हो गई, मैंने साइमन के साथ एडम पर चीट किया है, मुझे ये सब बात एडम को बता देनी चाहिए। लॉरा और एलिस इन दोनों ने उसे समझाया सच बोलने से कुछ भी अच्छा होने नहीं वाला, क्योंकि वो अपना खुद का सच छुपाना चाहती थी। वो कहती कि अगर तुमने बात छुपाए तो सब लोग बहुत खुश रहेंगे, तुम आगे की अपनी लाइफ एडम के साथ बिताना चाहती हो, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सब बात लूसी ने अब मान ली थी। एलिस फिर एडम से मिलने के लिए आई। उससे कहती कि क्या तुम अभी लॉरा के साथ अफेयर कर रहे हो। एडम ने कहा कि वो भी चल रहा है। एलिस पूछती कि क्या तुम अभी मुझ में इंटरेस्टेड हो। एडम इसके लिए हाँ कहता है। एलिस ने कहा कि तुम ये सब करते क्यों। एडम ने कहा कि लोगों को लगेगा कि मैं किसी से रिवेंज लेने के लिए ये सब कह रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो हमेशा मुझसे वो कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। उन्होंने मेरे बारे में माइंड में एक स्टोरी क्रिएट की होती है, मैं सिर्फ उसी का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, वो भी खुश होते हैं और मैं भी खुश होता हूँ। फिर एलिस और वो भी इंटीमेट हो गए। एलिस ने पूछा कि तुम अब क्या करोगे। एडम ने कहा कि अब मैं शादी के लिए रेडी हो रहा हूँ। शादी के लिए लूसी एडम को अप्रोच कर रही थी, पर उसे सब गलत लगता है। एडम भी उसके पीछे पीछे आया, पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लूसी ने कहा कि एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। एडम ने कहा कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर हमेशा ट्रस्ट करूँगा। हर एक आदमी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो एक्शन क्या लेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और वो फिक्स था। लूसी इस तरीके से एडम का ड्रेस देखकर इंप्रेस्ड हो गई थी। ये दोनों फिर खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। एडम हमेशा लोगों के सामने प्रिटेंड कर जिंदगी का मजा लेता है, पर उसका लूसी से प्यार भी कम नहीं है, उससे वो शादी कर लेता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।